19 लाख रोजगार देने की बात की जा रही थी, तो यही छात्र थे जिन्होंने नीतीश कुमार साहब को वोट देकर सत्ता में लाए थे। अब यही छात्र जब कल पटना में लाठिया खा रहे होंगे तो उनकी माँ जो होंगी वो चीख चीख के कह रही होंगी कि हमने ही इस सरकार को वोट दिया था और इसी छात्रों ने जाके बूथ में वोट दिया था, क्या इसी लाठी खाने के लिए? जब सरकार अपनी मांगों से, जब जो छात्र हैं अपनी मांग को लेकर सड़कों पे उतर गए हैं, पटरियों पे उतर गए हैं, तो जो नीतीश कुमार साहब की जो पुलिसिया फौज है वो अंधाधुंध लाठियां बरसा रही है सिर्फ अपनी मर्दानगी को साबित करने के लिए। उनका सिर्फ दो ही काम रह गया है, या तो छात्रों को लाठी से पीटा जाए या शराब से मर रहे लोगों को गिनती भी न की जाए। अगर ये छात्र जो दो साल पहले नीतीश कुमार को वोट देकर सत्ता में लाए होंगे तब ये भी वो उम्मीद पे वोट दिए होंगे कि हाँ मैं वोट दे रहा हूँ तो मुझे रोजगार मिलेगा, लेकिन किस तरीके से इन्हें पीटा जा रहा है और इनकी मांगों को अनसुना किया गया ये आप छात्रों से ही जानेंगे। क्यों खड़े हैं भैया आप यहाँ पे? एनटीपीसी सीबी बोर्ड में जो गड़बड़ी हुआ उसके लिए उसको डिसिप्लिनरी रिजल्ट दिया जाए। हमारे ग्रुप डी में जो 19 में बाहर निकला सीबी टीम ने उसको हटाया जाए। 2019 में 19 में नोटिफिकेशन आया कि वन एग्जाम होगा, जो भी जान कर पोस्ट की 35 में जल्द से जल्द एग्जाम लिया जाए। सुचारू रूप से होना चाहिए, लेट से नहीं होना चाहिए, कोई भी एग्जाम हो को सहूलियत हो तैयारी करने की। वो 5 साल में तैयारी करता है लगातार, पहले देना चाहिए था इनको सीबीटी 2 जारी करना था 4th ग्रेड के लोअर होने के लिए। तो जिस तरह से चुनाव हो रहा है उस तरह से एग्जाम होना चाहिए। एग्जाम देने में लड़का सब बता रहे हैं ग्रुप डी का जो हुआ है 19 में आया, 3 साल हो गया अभी तक कोई एग्जाम का कोई आता पता नहीं है, लेकिन कहीं भी चुनाव करवाना हो कोरोना हो बढ़ते चलिए हो जाता है और जल्दी रिजल्ट दे दिया जाता है, लेकिन 3-3 साल बाद भी परीक्षा होने के बाद रिजल्ट नहीं दिया जाता है, तो ये कहीं ना कहीं छात्रों के साथ नाइंसाफी है, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी की जा रही है सरकार के द्वारा। हम लोग बड़ा आंदोलन करेंगे 28 तारीख को। आरआरबी हमारी बात वही सुन रही है, तो हम पूरे अखिल भारतीय में आंदोलन करेंगे, यहाँ पर छोटे छोटे टुकड़ियों में यहाँ पर पूरा भारत में। और सरकार आंदोलन का जिम्मेदार सरकार होगी, अगर कुछ अनहोनी हो जाती है तो ये सब सरकार को भुगतान करना पड़ेगा।